आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। स्वास्थ्य मंत्री कौर सिंह ठाकुर ने किया जंजाली स्कूल की वेबसाइट का शुभारंभ। दूर दराज के क्षेत्रों को दी जा रही है सुविधा, कहा कौर सिंह ठाकुर ने। सुंदरनगर पुलिस ने किए भांग के पौधे नष्ट, 4 घंटे तक चलाया कर्मियों ने भांग काटो अभियान। डलहौजी के लोहाली के जंगलों में लगी भीषण आग, जंगल की बहुमूल्य संपत्ति हुई जलकर खाक। और पहला राज्य स्तरीय टेबल टेनिस रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू, प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ी दिखा रहे हैं दमखम। स्वास्थ्य मंत्री कौर सिंह ठाकुर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया, साथ ही राज्य के सबसे प्राचीन 101 वर्षीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंजैली की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कौर सिंह ठाकुर ने कहा कि वे भी पिछड़े क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और उनका प्रयास यह रहता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए। इन्होंने कहा कि इसको सिविल हॉस्पिटल बनाया जाए, मैं निश्चित तौर पे आज इसको सिविल हॉस्पिटल बनाने की घोषणा करता हूँ और 50 का सिविल हॉस्पिटल बनेगा। इसके बाद अभी एक मंजिल इसके लिए और बढ़नी है, उसके लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ हॉस्पिटल के लिए, ताकि ये सिविल बने और अगले साल से विधिवत तौर पर ये सिविल हॉस्पिटल 50 फीसदों का होगा। अल्ट्रासाउंड लगाने का भी हम प्रबंध करेंगे, लेकिन उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर का या गायनेकोलॉजिस्ट का होना भी जरूरी है, वो भी हम प्रबंध करेंगे। इस अवसर पर स्वराज के मंडल कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश रेड्डी और मिल्क फेड चेयरमैन चेतराम ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार और क्षेत्र की मांगे स्वास्थ्य मंत्री कौर सिंह ठाकुर के समक्ष रखी। किसी भी चुनाव हल्के में, मंत्री जी के चुनाव हल्के में इतनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, सबसे ज्यादा अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले स्वराज चुनाव क्षेत्र में खुले, अखबार वालों को यह कहना चाहता हूँ, इस बात को लिखें कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के चुनाव हल्के में इतनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, 11 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक सीएचसी जो है हमारे यहाँ पर, एक नहीं दो, एक बुखार में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संस्थान हमारे चुनाव क्षेत्र में। आपको बता दें कि ठाकुर कौर सिंह ने जंजैली में नव निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया और सिविल अस्पताल बनाए जाने की घोषणा भी की। साथ ही नव निर्मित भवन में एक और मंजिल जोड़ने के लिए 50 लाख की राशि भी स्वीकृत की, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। के चैनल के लिए जंजैली से खेमराज कौशल की रिपोर्ट। सुंदरनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला प्रवक्ता पवन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार अगर जल्द से जल्द नेरचौक मेडिकल कॉलेज को शुरू नहीं करती तो जिला कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतरेगी और कड़ा आंदोलन करेगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला प्रवक्ता पवन ठाकुर ने कहा कि 2 साल पहले यूपीए सरकार ने मेडिकल कॉलेज जनता को समर्पित किया था, लेकिन एनडीए सरकार ने कॉलेज को शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज को शुरू किया जाए ताकि प्रदेश के 6 जिलों के लोगों को भरपूर फायदा मिल सके। इसका सीधा फायदा किसान, गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा। पवन ठाकुर ने कहा कि अगर जल्द से जल्द नेरचौक मेडिकल कॉलेज को शुरू नहीं करेगी तो जिला कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतरेगी और कड़ा आंदोलन करेगी। जल्द नेरचौक शुरू करें, अन्यथा जिला कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतरेगी तथा आंदोलन करेगी। 2 साल पहले यूपीए सरकार के टाइम में ये हॉस्पिटल लोगों को समर्पित किया है, परंतु 2 साल से एनडीए सरकार को इसने शुरू नहीं किया।
हमारा आग्रह है केंद्र सरकार के से कि वो जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को शुरू करें ताकि प्रदेश के 6 जिलों के लोगों को इसका भरपूर फायदा होगा। इसका सीधा फायदा किसान को, मजदूर को, मध्यवर्ती लोगों तथा आम आदमी को इसका सीधा फायदा है और कम से कम 30 लाख लोग हैं उस हॉस्पिटल से जुड़ेंगे, लाभान्वित होंगे और जुड़ेंगे। तो मेरा फिर पुनः आग्रह केंद्र सरकार के कि उसको इसको जल्दी से जल्दी चलाया जाए। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन ने सुंदरनगर के विभिन्न क्षेत्रों से भांग के पौधे हटाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत वीरवार को डीएसपी संजीव भाटिया की उपस्थिति में बाला कामेश्वर मंदिर के समीप से भांग के पौधे काट कर की गई। इस अभियान के दौरान बीएसएल कॉलोनी मार्ग पर सड़क किनारे के कुछ क्षेत्रों से भांग भी हटाई गई। के चैनल की खबर का असर उस वक्त देखने को मिला जब सुंदरनगर के विभिन्न क्षेत्रों से भांग के पौधे हटाने का कार्य शुरू किया। 4 घंटे तक तकरीबन 12 लोगों के सहयोग से चलाए गए भांग काटो अभियान के दौरान टीएसपी संजीव भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए वचनबद्ध है। इसी कड़ी में पुलिस ने हाल ही में NDPS एक्ट के तहत 4 व अफीम की खेती के 6 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही दूसरे क्षेत्रों से भी भांग के पौधे हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। सुंदरनगर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत हम जो नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोग हैं उन पर शिकंजा कसेंगे और दूसरा हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में एजुकेट भी करेंगे और तीसरा जो है वो है जो नेचुरली ग्रोन कैनाबिस है, जगह जगह नेचुरली ग्रोन कैनाबिस है उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसी कड़ी में आज पुलिस स्टेशन BS कॉलोनी SHO और उनके स्टाफ के साथ और यहाँ के जो BSR कॉलोनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ मिलके हमने जो आसपास जो नेचुरली ये कैनबिस ग्रोन हुई है उसको हम आज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और ये अभियान जो है वो लगातार जारी रहेगा और हम पूरे इस क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और ये जो अवैध कारोबार में संलिप्त लोग हैं उन पर पुलिस पूरी तरह से शिकंजा कसेगी और उनको सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। पिछले एक महीने में हमने पोपी कल्टिवेशन के 6 मुकदमे दर्ज किए हैं और 4 मुकदमे जो हैं वो NDPS के अंतर्गत हमने दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया है जिसके चलते सुंदरनगर में अवैध रूप से उगी भांग के पौधों को उखाड़ा गया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। मंडी शहर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान SR विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने JEE मेन परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया। संस्थान के 5 विद्यार्थियों ने IIT के एग्जाम के लिए पात्रता हासिल की है। वहीं परीक्षा परिणाम में सफलता हासिल करने पर संस्थान के अध्यापकों ने बच्चों को बधाई भी दी। मंडी शहर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के SR विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने JEE मेन परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं संस्थान के निदेशक दिग्विजय सिंह ने सभी बच्चों और अभिभावकों को उनकी सफलता पर बधाई दी। उन्होंने बताया कि आज के इस प्रतिस्पर्धा वाले समय में कड़ी मेहनत से लक्ष्य हासिल होते हैं। SR विद्या मंदिर से जो बच्चे JEE मेन में क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके पेरेंट्स को बधाई देता हूँ कि ये बच्चे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन जो 3 अप्रैल को शिमला, हमीरपुर और चंडीगढ़ में कंडक्ट हुआ उसमें बच्चे क्वालिफाई अपीयर हुए और क्वालिफाई किए। तो इन बच्चों ने इस संस्थान का नाम रोशन किया है, इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई और इन बच्चों के लिए हमारे वेल विशेज हैं कि ये आने वाले JEE एडवांस के एग्ज़ाम जो 22 मई को होना है उसमें ठीक ढंग से बैठें, अपनी तैयारी को प्रॉपर वे से एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ बैठ के अपने क्वेश्चंस को उस लेवल से सॉल्व करें ताकि ये भविष्य में IIITs के लिए अपनी सीट सुनिश्चित कर सकें। हमें पूरा विश्वास है कि इन बच्चों ने इस संस्थान से कोचिंग लिया और उस कोचिंग को लेके
ये बच्चे अभी एडवांस की तैयारी भी करेंगे तो एडवांस में भी क्वालिफाई करेंगे। वही परीक्षा में 136 अंक प्राप्त करने वाले आशुतोष कुमार ने बताया कि जेईई एडवांस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अध्यापकों ने परीक्षा की तैयारी करवाने में बहुत मदद की है। भाई मैं अभी जेईई मेंस में अपीयर हुआ था और उसमें मैं 136 मार्क्स लेके जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है और अभी मैं जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मेरी अभी कोचिंग मैं SR विद्या मंदिर से ही ली थी और अभी भी उसके लिए जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैं अभी SR विद्या मंदिर में ही आ रहा हूँ। यहाँ पर आकर मुझे अपने गोल अचीव करने में बहुत हेल्प मिली है और टीचर्स ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है और मोटिवेट भी करा है। आपको बता दें कि संस्थान के विद्यार्थी आशुतोष कुमार ने जेईई मेन परीक्षा में 136 अंक हासिल किए जबकि हरित गुलेरिया ने 103, मुनीश कुमार ने 59, पंकज कुमार ने 50 और अश्विनी कुमार ने 52 अंक प्राप्त करके संस्थान का नाम रोशन किया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मनाली कस्बे पटाहर में चल रहे हिमालयन बौद्धिस्ट स्कूल में अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक शांति के लिए वैदिक रीति से हवन यज्ञ करवाया गया। आपको बता दें कि इस हवन यज्ञ को गायत्री परिवार के प्रतिनिधि देवदत्त मनहोश की अगुवाई में संपन्न किया गया। पर्यटन नगरी मनाली के बटाहर में हिमालयन बौद्धिस्ट स्कूल में हवन यज्ञ करवाया गया। अधिक जानकारी देते हुए देवदत्त मदहोश का कहना है कि इस यज्ञ का आयोजन अधिभौतिक और आध्यात्मिक शांति के लिए किया गया है। वही स्कूल के अध्यापिका पुलकित ठाकुर ने बताया कि छात्रों के बहुमुखी विकास को अक्सर स्कूल में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में अंग्रेजी माध्यम के अलावा बौद्ध संस्कृति की अलग से शिक्षा दी जा रही है। एसोसिएशन नाम की एक संस्था है, संस्था का जो संस्थापक है दामा चुस्पिल जोत्रा है, वो दिल्ली में असल में वो जांसकर से है, वो हिमालयन रीजन्स के लिए काम करते हैं। उन्होंने 1997 में एक स्कूल खोली थी चिचोगा में, तो मैं उनको जानती हूँ। मैं कॉलेज की स्टूडेंट्स थी और मुझे बड़ा शौक था बच्चों के साथ काम करने के, इसलिए मैं 1998 में उनके पास आई थी, कुछ महीने के लिए आई थी। तो उन्होंने स्कूल का जिम्मेवारी देकर वो चला गया। तो उसके बाद आपको बता दें कि बटाहर के हिमालयन बौद्धिस्ट स्कूल में हवन यज्ञ को गायत्री परिवार के प्रतिनिधि देवदत्त मदहोश की अगुवाई में अंजाम दिया गया। के चैनल के लिए कुल्लू से गौरव ठाकुर की रिपोर्ट। ब्रेक का आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, AIPMT, NDA एंड PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस। बैच स्टार्ट्स फॉर HP पुलिस कांस्टेबल, रिटन एग्जाम 2016। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पडल मंडी, एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2016-17। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहाटा बाजार टाउन मंडी, प्लेवे विद क्रैश। सचदेवा कॉलेज पडल नियर पुलिस थाना मंडी। पतलीकूल से सटे माहली बिहार में बुधवार को ऑटो क्रश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को डी हिमालयन रैली के 9 बार विजेता रहे कार रेसर सुरेश राणा और जॉनसन परिवार ने किया। वहीं रैली में 35 मोटरसाइकिल सवारों और कार जिप्सी चालकों ने भाग लिया। पर्यटन नगरी मनाली के पतलीकूहल से सटे
माहली बिहार में बुधवार को ऑटो क्रश रैली का आयोजन किया गया। करीब 2 साल पहले बॉलीवुड स्टार सलमान खान के भाई सोहेल खान को मात दे चुके रेड हिमालयन रैली के चैंपियन सुरेश राणा का कहना है कि इस रैली में सिर्फ कुल्लू के ही लोगों को मौका दिया गया है। 3 श्रेणियों में आयोजित इस रैली से सुरेश राणा पर्यटन को बढ़ावा देने का सपना सजोए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगली बार वे महिलाओं को भी साहस शौर्य और वीरता के इस खेल में अपना भाग्य आजमाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल, ये फर्स्ट इवेंट है हिमाचल में मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और ये हमारा सबसे पहला एम हमारा ये है कि जो मोटर स्पोर्ट में जो बाहर लोग जो बच्चे हाईवेज में बाइक चलाते हैं विदाउट हेलमेट से या विदाउट सेफ्टी गियर, तो हमने ये सब सोच के हमने एक अलग से ट्रैक बनाया है जिससे आप जितने भी मतलब न्यू कमर्स हैं जो अच्छे बाइक चलाते हैं तो उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं ताकि जो भी अपना टैलेंट दिखाना चाहे तो इस ट्रैक में आके दिखा सकता है। और ये हमारा ये कैसा है कि मोटर स्पोर्ट को थोड़ा आगे ले जाने के लिए हमारी एक वो पहला वो स्टेप है। अभी देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट इवेंट है और इसको हम नेक्स्ट टाइम अच्छा और अच्छा करने की सोच रहे हैं। इसमें बाइकर्स 15 बाइकर्स हैं और टोटल 35 पार्टिसिपेंट्स हैं और इसमें हिमाचल के हैं सारे, हमने बाहर से कोई अभी तक इन्वाइट नहीं किया है तो इसीलिए नहीं किया कि हिमाचल में और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा टैलेंट है तो हम अपने इस टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें भी टैलेंट है और जो भी इस ऑटो क्रॉस में अच्छा करेगा अच्छा चलाएगा और उसको हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से हम ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे उसके लिए। बाइकर्स के अलावा हमने 4 व्हील कैटेगरी भी रखी है जिसमें वेटरन क्लास भी रखी है हमने, स्पेशली जो काफ़ी बड़े एज जो भी हैं अब जो 40+ हैं तो उनके लिए हमने अलग से क्लास भी बनाई है ताकि वो भी अपने न्यू कमर्स को मोटिवेट करें, इसलिए उनकी भी हमने क्लास एक अलग से बनाई हुई है। और हमने कोशिश भी की थी लेडीज़ कैटेगरी की पर इस बार थोड़ा जल्दी में हमने किसी को इनवाइट नहीं किया, तो कैटेगरीज बहुत हैं, कार्स की भी हैं और जिप्सीज की भी हैं और बाइक की भी है। खास बात यह रही कि 3 किलोमीटर के ट्रैक को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया था। सुरेश राणा और जॉनसन परिवार के मुखिया जिमी जॉनसन, बाला जॉनसन और धीरा ने कई दिनों के प्रयास के बाद इस ट्रैक को तैयार करवाया है। के चैनल के लिए कुल्लू से गौरव ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश 95% अनुदान प्राप्त कॉलेज अध्यापक संघ के अध्यक्ष CPS कौशल ने कहा कि आने वाले समय में यदि हर राजकीय एवं अनुदान प्राप्त कॉलेज में अंतर महाविद्यालय स्तर पर मूल्यांकन केंद्र स्थापित नहीं किए गए तो कॉलेज अध्यापक मूल्यांकन का बहिष्कार करेंगे। डॉक्टर CP कौशल ने कहा कि इन कॉलेजों के मूल्यांकन केंद्र स्थापित होने पर न केवल परिणाम समय पर आएंगे बल्कि विश्वविद्यालय अपने संस्थानों की बचत कर पाएगा। उन्होंने कहा कि संघ ने विश्वविद्यालय के कुलपति और परीक्षा नियंत्रक को अपनी राय से अवगत करवा दिया है। हिमाचल प्रदेश 95% एडिट कॉलेज प्राध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उस निर्णय का कड़ा विरोध करता है जिसके तहत राजकीय तथा अनुदान प्राप्त कॉलेजों को ये आदेश दिए गए हैं कि 6ठे सेमेस्टर की परीक्षाओं कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कॉलेज स्तर पर ही किया जाए। हालांकि हिमाचल प्रदेश एडिट कॉलेज एसोसिएशन सरकारी तथा अनुदान प्राप्त कॉलेजों में मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का पक्षधर है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी कॉलेज में ना हो बल्कि एक कॉलेज की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी दूसरे कॉलेज में करवाया जाए। इससे न केवल विश्वविद्यालय की साख बचेगी बल्कि छात्र छात्राओं के परिणाम समय पर आएंगे और विश्वविद्यालय की रिसोर्सेस का बचाव किया जा सकेगा। संघ इस बात का कड़ा संज्ञान लेता है कि 6ठे सेमेस्टर में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के पिछले सेमेस्टर्स के रिजल्ट्स अभी पूर्ण रूप से डिक्लेयर नहीं हुए हैं। हजारों छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय या इधर उधर अपने परिणाम को लेकर के चक्कर लगा रहे हैं। संघ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की प्रशासन से ये अनुरोध करता है कि एक इफेक्टिव
कार्य प्रणाली अख्तियार कर छात्र छात्राओं के भविष्य की चिंता कर शीघ्र अति शीघ्र लटके हुए परिणाम जल्दी से जल्दी निकले। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में 14 मई को जय दुर्गा संकीर्तन मंडल द्वारा 34वां विशाल भगवती जागरण का आयोजन किया जा रहा है। मंडल के प्रधान ने बताया कि इस जागरण में हिमाचल और दिल्ली की मशहूर पार्टियां मां की महिमा का गुणगान करेंगी। हर साल की भांति ये साल भी 34वां विशाल भगवती जागरण 14 मई को शनिवार 7:30 बजे विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली की मशहूर पार्टी मोनो कलाश एंड पार्टी और हिमाचल की सुरीली आवाज नीरू चांदनी कुल्लू से बहुत मशहूर प्रसिद्ध गायिका इसमें भाग ले रही हैं और एवं सुंदरनगर के मशहूर कलाकार श्री प्रवीण कपिला जी नव दुर्गा संकीर्तन मंडल के साथ इसमें सहयोग दे रहे हैं। और विशेष इस बार जैसे हर साल की तरह ज्वाला जी से 13 मई को ज्वाला जी से जोत लाई जाएगी और महाबाई का विशेष भवन जो बाहर ऊना से आता है 11 मूर्तियों वाला गोल्डन भवन और झांकियाँ देखने योग्य होंगी। और इसमें तकरीबन हर साल आम सब जनता के सहयोग से ही तकरीबन 10 क्विंटल चावल भी लगते हैं भंडारे में। तो आप सभी से अनुरोध है हाथ जोड़ के कि इस जागरण में आके माँ का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त करें और अपना सहयोग भी। हमीरपुर के सिंगर लता पठानिया ने पहली सॉन्ग एल्बम बनाई है जिसमें हिमाचल के गाने और हिंदी गाने मिक्स हैं और जो अब यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। ओके जी 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 इसमें आपको नया सुनने के लिए मिलेगा, ना तो प्योर हिमाचली है और ना ही प्योर पहाड़ी है, मिला जुला इसमें आपको देखने को भी मिलेगा और सुनने को भी। मिक्सिंग है हिंदी और पहाड़ी। हाँ जी, मिक्स जी। कुछ ऐसा मिला मुझे जी कि वो मोटिवेशन मिली और मैंने इसमें डाल किया जी। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए के चैनल। स्वास्थ्य मंत्री कौर सिंह ठाकुर ने किया जंजाली स्कूल की वेबसाइट का शुभारंभ, दूर दराज के क्षेत्रों को दी जा रही है सुविधा, कहा कौर सिंह ठाकुर ने। सुंदरनगर पुलिस ने किए भांग के पौधे नष्ट, 4 घंटे तक चलाया कर्मियों ने भांग काटो अभियान। डलहौजी के लोहाली के जंगलों में लगी भीषण आग, जंगल की बहुमूल्य संपत्ति हुई जलकर खाक। और पहला राज्य स्तरीय टेबल टेनिस रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू, प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ी दिखा रहे हैं दमखम।